जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मिल जा। नहीं समझे हैं तो क्या जाता है, हमारी बातें को जितना हमें आता है। एकेडमी से आए हैं, ये साइकिल टू स्कूल आपको दिख रहा होगा। साइकिल टू स्कूल एक कैंपेन शुरू हुआ है जो जून महीने से शुरू हुआ है, 5 जून को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये कैंपेन SSCL सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के RDC रेसिडेंट डिप्यूटी कलेक्टर डॉक्टर चार्मी पारेख ने शुरू किया है, जो इसको प्रभात स्कूल सिलेक्ट हुआ है एज इको फ्रेंडली स्कूल। हमारे स्कूल में 75 प्लस स्टूडेंट्स साइकिलिंग पर आते हैं और एक वही रीजन है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइकिलिंग पर लाना है, दैट इज साइकिल टू स्कूल, घर से साइकिल लेकर स्कूल आना है। अब उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमने जून से लेके अभी तक की है, जैसे पोस्टर मेकिंग हुआ, हेल्दी
डाइट्स बताएं उनको कि क्या करना चाहिए, साइकिलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यही एक रीजन है कि हम स्कूल से आज एक कैंपेन लेकर निकले। आप देख सकते हो 20 से 28 बच्चे आज हमारे साथ आए हैं ताकि दूसरे बच्चे इंटरेस्टेड हो और साइकिलिंग पर आए। आपको पता ही होगा आजकल फ्यूल पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही महंगा होते जा रहा है और उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं जो बहुत एंशियंट टाइम में चीज़ें होती थी, जैसे लोग साइकिल पे जॉब जाते थे, साइकिल पे स्कूल जाते थे, अब जॉब का तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, बट स्कूल हम बच्चों को साइकिलिंग पर भेज सकते हैं, जिससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर भी होती है, वो लोग हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ड्रेन हो जाते, बेहोश हो जाते चलते चलते धूप में, तो इससे अगर वो लोग रोज साइकिलिंग करेंगे तो बच्चे और अच्छा सीखेंगे। तो अभी कुछ बच्चे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप सभी से, तो मैं अनुष्का से चाहूंगा कि वो कुछ बोले। मेरा नाम अनुष्का है और मैं सभी लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो साइकिल से आए। साइकिल से आने में बहुत सारी फायदे है, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा बॉडी अच्छा रहेगा, हम ओवरऑल अच्छे रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे। जैसे कि अभी आजकल स्कूल सुबह लोग आते हैं वो मतलब 15 मिनट वो असेंबली में नहीं खड़े हो पाते, वो लोग बेहोश हो जाते, जो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल के बच्चे फ़ोन में रहते हैं, गेम खेलते हैं, जिस वजह से वो बाहर की एक्टिविटी नहीं करते, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आजकल की जो लड़कियां हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो लोग साइकिल खेलते वेलते नहीं, वो घर पर ही रहना प्रेफर करते हैं। आजकल की लड़कियाँ वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। पहले की जो मतलब लड़कियां होती थी वो बहुत स्ट्रांग रहती थी, आजकल के कंपैरिजन में लड़कियां कुछ भी नहीं है। हम 15 मिनट धूप में खड़े नहीं हो सकते, और मतलब जैसे कि सबका पूरा बॉडी ओवरऑल अच्छा रहेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों से मैं ज़्यादा स्पेशली ये स्पेशल मैसेज टू एवरी गर्ल कि अगर आप प्लीज़ साइकिल से आए, ये हमारे इंटरनल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लाइक हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। सो या सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप साइकिल से आए। थैंक यू। मैं पेरेंट्स से चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है ये जो कैंपेन शुरू हुआ है बेनिफिटेड होगा आपके बच्चों के लिए? तो मैं चाहूँगा कुछ पेरेंट्स आके अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अगर देना चाहे तो। मैम सबको मेरा नमस्ते। ये जो इन्होंने साइकिलिंग का किया है ना, बहुत ही अच्छा है। आजकल हर जगह देखिए कोई ना कोई बच्चा बेहोश पड़ता ही है, मेरी बेटी भी पढ़ी थी, झूठ नहीं बोलूँगी। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू। धन्यवाद। चक्कर आना हमारे सोसाइटी में फिलहाल अभी 2-3 बार ऐसा हुआ, मतलब खाने के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो पेरेंट्स इतने टेंशन में रहते हैं अभी बाहर गई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो भी प्रभा स्कूल ने जो भी साइकिल का जो बताया वो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना 5 मिनट दिया हमें। तो ये एक ऐसा है कि हम चाहते कि आप और भी लोगों को बोलिए कि साइकिल टू स्कूल हर एक जगह होना चाहिए। लाइक अभी हमारा स्कूल शुरू किया है हमारे स्कूल ने, आगे चल के दूसरे स्कूल्स भी इनिशिएट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को, अपने नेबरिंग को या अपने रिलेटिव्स को बोलो कि अपने बच्चों को साइकिलिंग पर भेजें। थैंक यू सो मच एवरीवन अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया।